बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस आयोजन के दौरान जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे और डॉक्टर अजय कुमार के समर्थक आपस में भिड़ गए। करीब 45 मिनट तक हंगामा होता रहा। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था, जबकि कई कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। माहौल की नजाकत को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश माइकल जॉन ऑडिटोरियम से तेजी से बाहर निकल गए और दूर जाकर एक कुर्सी में बैठ गए। यह दृश्य देखकर कांग्रेस नेता प्रदीप बालमुचू और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को मनाने लगे, लेकिन वह नहीं माने। कार्यक्रम स्थल के बाहर ही लोग उनका स्वागत करने लगे। आगे इस वीडियो में देखें। कौन दो समर्थकों के बीच आपस में जोरदार मुक्का मुक्की, क्या कहेंगे? अंदर में जो देखिए, ये कल्चर तो नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी पार्टी बड़ी और महान तब होता है जब उसमें डिसिप्लिन हो। जिन साथियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर आपस में मतांतर हो रहा था, अगर उनको चुनाव लड़ना है तो ये समझना होगा कि एक एक व्यक्ति से हाथ जोड़ के वोट मांगा जाता है, और जब चुनावी राजनीति आप करते हैं तो आपको विनम्र और शालीन होना होता है। हमको नहीं लगता है कि कोई भी उडंड आदमी को और कोई भी रोबिन हुड आदमी को जनता जमशेदपुर के नहीं पसंद करती है। जनता का दिल जीतने के लिए आपको विनम्र और व्यवहारिक होना जरूरी होता है। टाटा का कल्चर का इतिहास रहा है यहाँ व्यवहार कुशल और लोगों के साथ रिलेशन बनाना, अपने लोगों के साथ आपका शालीन रहना, यह जरूरी होता है। तो अगर जिन नेताओं के तरफ से या जिनके तरफ से भी अगर इस तरह का मैसेज अपने लड़कों में दिया जाता है, तो समाज को भी यह मैसेज जाता है कि चुनाव जीतने के बाद वो लोग किस तरीके का समाज बनाएंगे, किस तरीके का टीम बनाएंगे और किस तरीके का गिरोह बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के राजनीति किसी नेता के द्वारा अगर आजा होता है, चाहे वो कोई भी लीडर हो, मैं समझता हूँ कि अपने पैर में वो स्वयं कुल्हाड़ी मारते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी एक विचारधारा है, जिसकी विचार है सबको लेकर चलना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब गुरबा अगड़ा पिछड़ा सबको समेट करके वो सम्मान दे करके राजनीति करती है, और बड़ी विनम्र ये गांधी की पार्टी है। और गांधी जी के पार्टी में इस तरीके से व्यक्तिगत तनाव और व्यक्तिगत अपनी प्रदर्शन, आज टिकट मिल नहीं रहा, अभी चुनाव आचार संहिता ने टिकट घोषित भी नहीं किया है। अभी के टेट में मान के चलो एक जिला से लिस्ट गया है, उसके बाद प्रदेश में बात होगा, फिर उसके बाद कई जरबर समितियां आएंगी और कई कार्यक्रम होगा। ये सारी बातें हैं अजय जी, लेकिन स्टेज में जो हुआ वो कांग्रेस का कल्चर है, जिस तरीके वही बात बता रहा है। ये गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों की पार्टी है, लेकिन डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ ही हम काम करते हैं। चूंकि जिन लोगों ने यह बात किया पब्लिक के बीच में मीडिया के पास जाएगा, और जिनका कार्यकर्ता अगर कहीं पर गुंडाई का ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई भी आम आदमी जो शहर का नेचर है, इस शहर का जो कल्चर है, ये शहर बड़ा मैच्योर शहर है, यहाँ बड़ी लोग प्रबुद्ध और बड़ी विद्वान लोग रहते हैं, अगर मुझे लगता है कि उनको ये पता चल जाएगा कि आपके साथ अगर मारपीट करना या लोगों को अभद्र करना या लोगों को बेइज्जत करने वाला टीम है, तो भले चुनाव आप लड़िए लेकिन वोट आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे दुनिया में किसी दल के नेता हूँ। तो इस तरह का अगर कोई नेता कार्यक्रम करता है, और ये जो आप यहाँ का तस्वीर कल छापेंगे, तो जिस नेता के बारे में छापेंगे मैं समझता हूँ टिकट मिलेगा तभी भी वो हार जाएगा, इसलिए कि पब्लिक कभी भी गुंडई और इस तरीके का लफुआई पब्लिक नहीं, टाटा की पब्लिक नहीं पसंद करती है। और मैं भी मानता हूँ कि अगर राजनीति करना है तो हाथ जोड़ के लोगों को प्यार मोहब्बत की राजनीति करना है। बाकी मेरा एक इतिहास रहा है, जब लड़ना है तो मजबूती से लड़ना है, लेकिन लड़ना किससे है ये तो तय करो। अपने भाई से लड़ना है, अपने कार्यकर्ता से लड़ना है, अपने साथी से लड़ना है या विरोधी से लड़ना है। तो यहाँ पर बेमतलब की जो कुछ लोगों के द्वारा माहौल क्रिएट किया गया, ये दुखद है, चिंताजनक है, और हम इसको पर्सनल लेवल पर लाइक नहीं करते। बाहर आके बैठना पड़ा होगा? नहीं, देखिए ये अति उत्साह है और हमको लगता है कि ऐसा माहौल है, अभी चुनाव बहुत दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आप समझ रहे हैं कि बहुत लोग उम्मीदवार हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। आप बड़ी स्वाभाविक है कि ऐसे समय में हम लोग आए हैं तो सब लोग अपनी ताकत दिखाना चाहता है, उनको शायद लगता है कि ताकत से टिकट मिल जाएगी, ऐसा महसूस होता है। इसलिए मैंने कहा कि देखिए कि ताकत से जिंदाबाद कर देने से मुर्दाबाद कर टिकट तो मिलने वाला नहीं है। आपको जब टिकट मिलेगा जब जमीन में काम करेंगे। सर्वे टीम हमारी टीम नहीं है, सर्वे टीम है दिल्ली वाली,
वो सर्वे टीम देखेगी सचमुच में कौन काम कर रहा नहीं कर रहा, उसके बाद आकलन करके वो टिकट उसको दिया जाएगा। हमारा भी सर्वे है, हमारे जो संगठन का उनका भी सर्वे है, मगर उस सब सर्वे को मैच करने के बाद मिलेगा। इसलिए यहाँ अगर आप कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जा रहे हैं किसी का झंडा जिंदाबाद कर, इससे बहुत फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन स्टेज के ऊपर में एक दूसरे के ऊपर हाथ भी चलाए लोग, इसको क्या कहेंगे? ये तो कांग्रेस ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए हमने कहा आज बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत लोग ज़्यादा थे, इसलिए हम लोग बाहर भी लोग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हम लोग चलो बाहरी लोग से मिलेंगे, फिर बाद में जब शांत हो जाएगा, जब स्थिर हो जाएगा तो हम अंदर आएंगे। वैसे हम लोगों ने किया, लेकिन अंदर आके वो बाहर चलेंगे? नहीं नहीं, उसके बाद अंदर आने के बाद ही स्थिति, हम लोग को पता नहीं था अंदर क्या स्थिति है, उसके बाद ही हम लोगों ने कहा कि बाहर जाके मिल लेंगे और फिर अंदर जाके जब स्थिर हो जाएगी स्थिति तब हम जाएंगे। पर हमको लगता है ठीक है, उत्साह थोड़ा ज़्यादा ही।